बड़ा ताजुब है, ताजुब खैज वाकया है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर और तीसरे जो है लीडर ऑपोजिशन होंगे। तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो जाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत कानून उन्होंने पास किया है मोदी हुकूमत ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर इनू मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर की हमेशा मज़ाहरे करती आ रही है और उनके पास 300 MP हैं तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो कानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया, वो खुद बताए तो बेहतर होगा या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफ़ा क्या है, ये बड़ा माने खैज है या फिर कुछ वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है। और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो दो इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ें चल रही हैं।